मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभी अपने आप को अनम्यूट की हुई थी. जस्ट वांटेड टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टॉक इन एब्सेंस ऑफ द टीचर. अगर टीचर क्लास में नहीं है, मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रही थी. आप बहुत बात कर रहे थे. दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस. यू शुड चेक दिस. ओके. मुझे वो बच्चे हाथ उठाएंगे जिन लोगों ने कल मेरे कहने के बाद स्कूल के वेबसाइट में अपना सिलेबस देखा. रेज योर हैंड. आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सिलेबस व्हिच इज बीइंग गिवन इन द वेबसाइट. श्रेया, उज्जवल, अदिति सिंह, अदिति झा, वेरी गुड. संजना, शुभम, साक्षी फोरे, Shambhavi Fosi, Shweta, Anidya, Shivani, very good. Okay, so there are many students those who have seen the syllabus which is being posted in your website. Sabhi ne dekha hai, maximum logon ne dekha hai. Baki rest of you must be knowing regarding your syllabus for half yearly examination because teachers apne class mein regularly is baat ko bol rahe hain. टीचर्स अपने क्लास में रेगुलरली इस बात को बोल रहे. स्पर्श आनंद, अपना वीडियो ऑन रखना. जिनका भी वीडियो ऑफ है, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी बिकॉज वीडियो ऑन रहने से पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं. इधर पढ़ भी रहे हैं या फिर ऑन करके सो रहे हैं. कीप योर वीडियोस ऑन. ओके, सो एवरीबडी माइट बी नोइंग अबाउट द सिलेबस. आपको क्लास का मिल जाएगा. एग्जामिनेशन का शेड्यूल, डोंट वरी अबाउट दैट. दैट इज आवर हेडेक. यू विल बी गेटिंग द सिलेबस फॉर half-yearly examination which can commence in the second week of September. शायद second week is शुरू हो. हमारे पास अभी कोई information नहीं है, but जैसे आएगा आप हमारे पास notice, हम आपको बताएंगे. सत्यम मिश्रा, अपना video on. Okay, so आपको बताएं the syllabus for science of your class in means class 4 is lesson 1 to 5. बच्चे, आपके वीडियो के साथ आज मैं किसी भी वक्त एक लिंक भेजूंगी. आई विल बी सेंडिंग यू वन लिंक. ओके, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो. यू विल बी हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस इन इट. इट्स लाइक अ गेम, क्विज गेम. ओके, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड आपको करना है. ये एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका कैसे हम एग्जाम्स देंगे. ठीक है ना? तो हम एक 10-12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का एक लिंक, यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक. और जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, आपके पास क्वेश्चंस लाइन से आ जाएंगे आपके मोबाइल पे, और अगर आप लैपटॉप से करते लैपटॉप पे. एंड यू विल बी गिवन द टाइम ड्यूरेशन, आपको इस टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेना है. और जैसे आप कंप्लीट करेंगे, आपका पार्टिसिपेशन पता चल जाएगा हमें. तो आज सारे बच्चे इसको करेंगे. इट्स अ फन गेम. हम थोड़ा करके देखते हैं कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. ओके, so today we were supposed to do the revision of lesson 1. hum aaj bhi lesson 1 ka revision karenge. hum lesson 1 jab tak complete nahi karenge, lesson 2 bhi nahi padhenge. theek hai, humne kal kaha tha aapse aapko lesson 1 ka revision karna hai. put your hands down everybody, all of you those who have raised their hands are requested to put their hands, to lower their hands. sare bachche lower hand, lower kar lo. lower your hand please. Hands till now, 5 of the hands are raised. So yeah, Priyanshu, Ayush, Ashutosh, Adit, these log apne hand raise kiye hue. Kaushiki, for nothing you have raised your hands. Maine kaha lower your hand. Aur aaj Kaushiki, ye gadbad nahi hona chahiye ki hum aapse question puche aur aap kahin idhar udhar gappe kare. Okay, Ashutosh hath niche karo. Aditya, Ashutosh, Ayush hath niche karo. Ek minute, मैं देखूं यहाँ दिव्यांशु है कि नहीं. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, आई हैव द क्वेश्चन विद मी. आई विल नॉट बी शेयरिंग द स्क्रीन. आपके पास क्वेश्चन आपके बुक में है, बट नोबडी विल ओपन द कॉपी. ओके, नोबडी विल ओपन द नोटबुक. नव्या राजपूत, अनम्यूट करें अपने आप को.
टीचर्स के एब्सेंस में वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बहुत किया आपने, मैं सुन रही थी आपको, आई वॉज लिसनिंग यू, कर रहे थे ना? यस मैम. क्यों? मैंने कहा था मेरे बदले में आप गुड मॉर्निंग बोलो. Did I say you? No, ma'am. So for you, this is a very bad practice. Check this habit of yours. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now tell, give me the answer. Why is it important to chew the food properly? Why is it important to chew the food properly? It is important to chew the food properly for the proper digestion. Okay, it's important to chew the food properly for the proper digestion of food. Okay. Pratika Singh, class 4B, Shayad 4B, because there are only 4 dikar. What do you mean by the term digestion? What do you mean by the term digestion? Pratika, aapne phir se mute kar liya apne aap. What do you mean by the term digestion? किया हुआ. चलो बोलो. अभी इतने दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हैं, अभी तक आपको अनम्यूट करना नहीं आता. When you'll do it double click, तो वो म्यूट होके फिर अनम्यूट हो जाएगा. तो वो म्यूट होके फिर अनम्यूट हो जाएगा. You take, you are doing this class for last 5 months. Let's see, आप ऑन कर रहे हो, ऑफ कर दे रहे हैं. Kritika saying, are you audible? Sakshi Pore, give this answer. Bolo. What do you mean by the term digestion? Digestion is a process in which breaking down of food into simpler form. Digestion is the process in which the complex material of food is broken down into its simpler form. Sakshi, am I right? Yes, ma'am. तुमने कुछ गड़बड़ बोला ना? Preparation करो Sakshi. Asta, unmute yourself. Unmute yourself. Yes, ma'am. Name the different types of teeth present in our mouth and write the functions. Tell about the functions. Ma'am, incisors. What is the function of it and where is it present? Canine. No. Incisors. What is the function of it and where is it present? आपके मुंह में ये इंसिजर्स कहाँ होते हैं एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? सी, आज आपका नया फोन है, दूसरा नंबर से है, एंड ऑल्सो मैं आपको ऑडिबल हूं एंड यू आर ऑल्सो ऑडिबल टू मी, एंड ऑल्सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. लेसन वन, ओनली वन है. मैंने कल भी पूछा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि लेसन वन याद करना है और मुश्किल से 10 क्वेश्चन है, उन मुश्किल से 10 क्वेश्चन. ओके कौशिकी, गिव दिस आंसर. टाइप्स ऑफ टीथ, वेयर आर दे प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन? चलो अनम्यूट करो कौशिकी. Yes, ma'am. Bolo. Flat teeth. They are used. No. एक चीज और ध्यान रखेंगे. Just a minute. Listen to me first. आप इस चीज का ध्यान रखेंगे. If the question is asked for 5 marks, अगर question 5 marks का होगा, तो आपको उसका teeth का नाम लिखना है, उसका position लिखना है, and their function. कौशिकी, थोड़ा सा mic को दूर करो. Yes, now you answer. Asta ne sirf ek bataya, incisors. So where are they present? They are present in our mouth, sir.
भाई दांत हो तो मुंह, कौशिकी दांत है तो मुंह में ही होगा. इन आवर माउथ मतलब क्या? वे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंसाइजर्स? फ्रंट. ओके यस, इंसाइजर्स आर प्रेजेंट इन द फ्रंट, एट द फ्रंट टीथ. यस, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड क्रशिंग. क्रशिंग? नो, आई यूज फॉर बाइटिंग, कटिंग पर्पस. I use for cutting purpose. Okay, Kaushik, अपने आप को म्यूट करो, दूसरा हम सुनते हैं. हाँ म्यूट करो, दूसरा हम सुनते हैं किसी और से. समीक्षा 4B बोलो, इसके बाद हर्ष तैयार रहेगा. समीक्षा सेकेंड वन. यस मैम. सेकेंड टाइप ऑफ टी. कैनाइन. दे आर प्रेजेंट इन द ईथन साइड ऑफ इंसाइजर. दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग पर्पस. नो. Third. No. Samiksha wrong. Canines. They are used for tearing purpose. कल आप हंस रहे थे दूसरे पे ना, आज आपने गड़बड़ बोल दिया इसी क्वेश्चन पे. This is the reason कहते हैं हम कि हम जब किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो तीन उंगली अपनी तरफ रहती है. You should not laugh at others. कभी हम भी गड़बड़ कर सकते हैं, है ना? Okay. Samiksha, canines. Number two is canine. Canines are the pointed teeth. On the either side of front teeth. Front teeth ke dono side mein ye teeth hote hain. And the purpose is tearing purpose. He's now. Generally we use chicken or whatever tearing purpose. Che. Ganna khaate hain. Agar aapke daant strong hain, wohi ganna chaba sakte hain. To wo kya karte hain ganne ko? Pura tear karte hain. So we do it with, hum saamne se ganna nahi chabate. Hum ganne ko cheete hain. Hum tear karte hain from the side teeth. And they are said to be the tearing teeth. Or the other word is called canines. Aasta, class mein dhyan do, idhar udhar nahi. Class mein dhyan do. When you are in the class, look in the class. Okay? Mere screen mein ek saath hum 22 bachcho ko dekh paate hain. For you pen information. 20 cheese, 2 students mujhe ek saath dikhte hain. So don't think, ki ma'am to usko bata rahi hai, to mujhe nahi dikh rahi hai. I can see all of you. अभी मेरे साथ 87 बच्चे हैं और मैं स्क्रीन स्क्रॉल करती रहती हूँ. 83 हो गया. ओके, तो इस चीज को ना शाम भी इन द क्लास में. ओके नेक्स्ट, द नेक्स्ट थर्ड इज शाम भी बताएगी. थर्ड शाम भी फोर सी. थर्ड टाइप कनाइंस हो गया, इंसिजर्स हो गया. थर्ड टाइप क्या है? शाम्भवी अनम्यूट करो बच्चे, जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम. ओसी शाम्भवी, बोलो. मेरा एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि वो इतने दिनों में अगर अनम्यूट करना नहीं सीखे तो पहले आराम से सीखे कैसे अनम्यूट किया जाता है. एवरी टाइम इट हैपेंस कि मैं आपको अनम्यूट करने बोलूं पर आप बैठे रहते हो. शाम्भवी अभी तक अनम्यूट नहीं कर पाई. उज्जवल कुमार फोरी, अनम्यूट योरसेल्फ. उज्जवल कुमार फोरी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस, गिव द आंसर. शाम्भवी तीसरा टाइप बोलो. शाम्भवी इतना देर के बाद अनम्यूट हुई है. I don't understand. Are you playing with the class? कभी unmute करें, कभी mute कर रहे हैं. Adya Sahi, give this answer. And a very, very good. Aradhya, Sanjana, these all, Nandini, these all girls. हमारे 4A के maximum बच्चे uniform में हैं. This is a very good work. बात सुनते हैं. जो लोग जिनको बात नहीं सुनना था वो नहीं सुने. But कुछ बच्चों ने बात सुनी. Aradhya Sahi, very good. Clap for her. Even Vanshika Sharma, she is in uniform. Very good. Priyesh, very good. Arohi Ranjan, very good. Thank you, ma'am. ये हमारे अच्छे बच्चे हैं जो teachers की बात सुनते हैं. This is a very good habit. See, Shreyash is also in uniform. Very good. Very good, Shreyash. Shreya Chandra, Sanjana, Krishnakant, very good.
बहुत अच्छी बात है. श्वेता कुमारी इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म. वेरी गुड गर्ल. बहुत अच्छे बच्चे हैं. जो बच्चों जो बच्चे टीचर्स के पास सुने दे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स. श्रेया फोरबी इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म आई सपोज. यस, मुझे यूनिफॉर्म में दिख तो रही है. जस्ट अ मिनट, लेट मी सी. अब तक मुझे जवाब दो. श्रेया किसने मैंने भी पूछा था, बताइए व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टीथ. दो तो बता दिया, तीसरा कौन सा था? कौन बताएगा थर्ड फॉर्म, थर्ड काइंड ऑफ टीथ? सत्यम मिश्रा बताओ. सत्यम मिश्रा बताइए थर्ड टाइप ऑफ टीथ. अब तो हेडफोन लगा के बैठे, फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? बोलो. मैम कनाइस. कनाइस हो चुका. इंसीजर्स हो चुका. यस. प्रीमोलर मोलर. ओके, प्रीमोलर्स एंड मोलर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स? च्यू. इट हेल्प्स टू ग्राइंड द फूड. ग्राइंडिंग अ फूड में. ये शयान अब्दुल्ला कौन है? मैंने आपको अनम्यूट करने का दिया है, आप अनम्यूट करें पहले. शयान अब्दुल्ला कौन है? आपने अनम्यूट किया शयान? यस मैम. बेटा आपका नाम क्या है? शयान अब्दुल्ला. यस मैम. आप कौन सेक्शन में है? मैम बी सेक्शन, फोर्थ क्लास. आर यू अ न्यू स्टूडेंट? यस मैम. अच्छा, यू गॉट एडमिशन कब हुआ बेटा आपका? बिकॉज आपका नाम तो मेरी लिस्ट में अभी तक नहीं आया है. मैम फ्राइडे. इस फ्राइडे को हुआ है? No ma'am. So? Previous. Okay, previous Friday को हुआ है. What's the roll number? Ma'am, I don't know. Are you there in the group? क्या group में added हो? Are you there in the group? Yes ma'am. Okay. Okay. So you're not having any question answers? तो आप थोड़ा सा मदद लेंगे बच्चों की, ठीक है? Now, next question is for Shaurya Kumar Soni. Achha, Rudra Pratap used uniform. Very good. Shaurya Kumar Soni. Yes, ma'am. Okay, the next question is for you. What happens to the food when it enters into the stomach? What happens to the food when it enters into the stomach? Food is stored for few hours and mixed with digestive juice. Okay. Secreted by the wall of a stomach. The Rudra Pratap Singh, what are you doing? Digested well. आपको 40 minutes class में बैठना है. You cannot sit properly, na? म्यूट कर लिया एंड यू टॉकिंग टू समबडी एल्स. वेरी बैड हैबिट. यस हर्ष कुमार. हर्ष नो शौर्य ना. यस शौर्य गेव द राइट आंसर. यस द फूड गेट्स मिक्स्ड स्टोर रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 2-3 to 4 hours. इट गेट्स मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टमक एंड द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नैंसी सुमेधा. Nancy, can you hear me? इसके बाद का क्वेश्चन अक्षत आपके लिए है, ध्यान रखिए. Nancy, आवाज आ रही मेरी? Nancy, can you hear me? Nancy, आप जिस रूम में वहां पे फोन कर रहे थे वहां से हटे आप? माइक ही है ना ख्याल रख. हेलो पापा, मैं बाप बन गया हूँ.
Nancy, where are you? स्टूडेंट्स को बार बार ये बताया जाता है कि बी इन द रूम वेयर देयर इज नोबडी और बी विद समबडी विद योर पेरेंट्स ताकि आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें. बट दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस. आप बात कर रहे होते हैं, कभी मोबाइल देख रहे होते हैं. नेक्स्ट इज फॉर, हमने किसे कहा था, अक्षर से कहा था. अक्षर अनम्यूट करो बेटा अपने आपको. अक्षत अनम्यूट करो. नहीं हो रहे. आशुतोष कुमार अनम्यूट करो अपने आपको. यस, व्हाई इज वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? व्हाई इज वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉज egg of germs and when the egg go in the stomach it produce worm. Anshika Sharma, I want yes, to answer from you. I want this answer from you. Yes. Bolo. Yes, ma'am. The fruits and vegetables carry the eggs of worms. If we eat them unwashed, it will cause diseases like diarrhea and vomiting. Chalo, same answer to be repeated by Nandini. Aap mute karo apne aapko. Nandini, I want the same answer from you also. Unwashed fruit and vegetables contains the eggs of germs. Consume unwashed. When the eggs go into the stomach, they have the eggs there. And produce worms. These worms live in the stomach or intestine and take the food needed for the human body. Very good. Okay. Those who have worms look pale and weak. Very good. Yes. Nandini, mute yourself. Sometimes we don't wash our fruits and vegetables and we consume it. Hum usko consume kar lete hain. It's a very wrong practice. Why washing of fruits and vegetables are important? Washing for phalo ka ya sabziyon ka dhona kyun zaruri hai? Because it may carry the eggs of the germs which are very small. They cannot be seen by our naked eyes. Hum apni aankhon se nahi dekh sakte usko. So what will happen? These eggs will get into our stomach and hatch there and grow into a worm. And the person, those who gets worm in their stomach, looks pale and unhealthy. And they may be the reason for diarrhea, jaundice, etc. Okay, not jaundice. Diarrhea and cholera, food poisoning. Ye unke reason ho sakte hain. Asa? Asa ko fir se repeat kar jaisa. Main to kitna samjhi tu. इसके बाद का आंसर अदिति झा देगी. आशा अनम्यूट करो अपने आप को. इस जवाब को अब मुझे दो. तो मैंने अभी पूछा, व्हाई इज वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? मैम, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ कैमरा को, मेरी तरफ. हाँ, बस बोलो. मैम, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज unwashed fruits and vegetable contains and if consumed unwashed the egg go into the stomach they hatch inside the stomach and produce worm. These worms then leave in the stomach and intestine and they take the food meant for the human body. Those who have worm look pale and weak. मुझे एक बार समझा दो आंसर हिंदी में. तुमने बोला हम अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं तो क्या होगा, एक बार मुझे हिंदी में भी बता दे. लेट्स सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड ऑर नॉट. मैम, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम खाएंगे तो उसकी जो गंदगी है, जर्म्स जो है, वो हमारे स्टमक
में रहती है और वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है। तो फिर हैचिंग ऑफ एग्स कहाँ बोला, क्यों बोला, उसका मतलब क्या हुआ? मैम वो एग्स की भी गंदगी हमारे बॉडी को हार्म कर सकती है। एग्स की गंदगी क्यों, एग्स गंदा थोड़ी होता है मैम। एग्स का जो वो आस्था 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 बैड बच्चे, आप देख के बोल गए ना इसीलिए आपको समझ में नहीं है। आप देख के बोल गए आपके इससे पता चल गया। एनीवेज आपको बता दें कि क्वेश्चन आंसर ऐसा था कि हम अगर वॉश ना करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तो जर्म्स के जो एग्स हैं, जर्म्स भी तो ग्रो करता है ना, हाउ डू दे ग्रो विद द एग्स। दो तरह से ग्रोथ होता है, या तो एग्स है या बाय गिविंग डायरेक्ट बर्थ। तो जब एग्स को छोटे होंगे तो हमें दिखेंगे नहीं, हमने उसे धोया नहीं, हमें लगा वो तो साफ ही है, हम खा गए उसे। तो उसके साथ उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ हमारे अंदर क्या चला गया, हमारे अंदर चला गया एग। अदिति अदिति क्या अनम्यूट करो अपने साथ। ओके तो हमारे साथ क्या चला गया, हमारे अंदर एग्स चले गए। और ये जो एग गए स्टमक में, यहाँ पे जब एग गए तो या तो ये मर जाएंगे या तो ये हैचिंग करेंगे, यानी एग से उनके वर्म्स बन जाएंगे। अब जो खाना हम खा रहे हैं अपने खाने के लिए, ये खाना हमारा खाना बंटवारा हो जा रहा है, शेयर हो जा रहा है किसके साथ, जो हमारे पेट के अंदर कीड़े लग गए, कीड़े हो गए। तो हमारे खाने तंदुरुस्त हो गए, हमारे वर्म्स तंदुरुस्त हो गए, और हम जो खा रहे हैं हम खा प्रॉपरली रहे हैं, बट वी आर लुकिंग पेल, हमको बीमार दिख रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम खाना तो प्रॉपरली खा रहे हैं, तो खाना जा कहाँ रहा है? एक्चुअली जो स्टमक में जो कीड़े बन गए हैं वो इस खाने को खा जा रहे हैं, एंड दिस इज द रीजन हम अनहेल्दी लगते हैं, हम पेल दिखते हैं। That is why it's being said कि खाना हमें vegetables, fruits को खाने के पहले जो हम raw खाते हैं, जो हम कच्चा खाते हैं, अब गोभी तो कच्चा नहीं खाते, तो उसको तो हम धोते ही हैं, खाना बनाने के पहले भी धोते हैं, लेकिन हम guava कच्चा खाते हैं, हम carrots कच्चा खाते हैं, हम apple कच्चा खाते हैं। तो जिन fruits को, जिन vegetables को हम कच्चा खा सकते हैं, salads कच्चा ही करते हैं, तो इनको हमको properly wash करना चाहिए। You should properly wash the vegetables so that it does not contain the eggs. It can go inside our body and hatch and form worms. अच्छा अगला क्वेश्चन कल मैं फिर तुमसे पूछूंगा। तुम्हारे पीछे पढ़ी इसलिए हूँ क्योंकि तुम पढ़ नहीं रही हो, इसलिए मैं पढ़ गई हूँ तुम्हारे, तुमको मैं याद करवा के रहूंगा। लेसन वन मैं फिर कल पूछूंगी, छह क्वेश्चन। ऐसा नहीं है बाकी लोग सोचेंगे उनके उनको नहीं पूछूंगी, मैं उनको भी पूछूंगी, लेकिन आस्था मेरे साथ रहेगी और मुझे बताएगी क्वेश्चन आंसर्स फिर कल से। ओके अदिति झा, हमारे पास अभी भी 8 मिनट का समय है, मैं अभी 2-4 लोगों से पूछ सकती हूँ। अदिति झा ऐसा अपने आपको म्यूट करो। अदिति यस मैम। टीनाज मदर ऑफन टेल्स हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, आई डू थिंक शी सेज सो। क्यों कहती होगी शीना की मम्मी से? ओके फिर से रिपीट करती हूँ। शीनास मदर ऑफन आस्क हर नॉट टू ईट टू मैम स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। अच्छा एक मिनट अदिति, मैम स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर हार्मफुल अदिति मुझे एक बात बताओ, जब आपने मुझसे कहा मैम क्वेश्चन बताइए, तो मैं जब आपने मुझसे कहा कि मैम क्वेश्चन बताइए, मैं ये क्वेश्चन बना रही हूँ, तो एटलीस्ट इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए आपको भी कि मैम की क्वेश्चन पहले पूरा सुन ले। यानी आपने आधा सुना, क्वेश्चन समझ में आ गया, तब बोलना शुरू कर दिया। वेरी बैड बच्चे, वेरी बैड। ओके यस, शीनाज मदर ऑफन टेल्स हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स बिकॉज़ ऑन द टीथ और द टूथ फॉर लॉन्ग पीरियड इट कैन कॉज टूथ डिके। आशुतोष मैडम से आवाज आ रही है, क्वेश्चन खत्म हो जाए तो म्यूट करो अपने आप। Trash, unmute करो। Trash 40 unmute करो। Yes ma'am. Unmute करो। Yes ma'am. Name the organ through which food enters into the stomach. Aditi, mute करिए। Name the organ through which food enters into the stomach. Help of food pipe,
The food entered in stomach. Okay. Now tell me, Arnav Gupta, Arnav Roy, 4E. Arnav Roy, 4E. What is the other term for food pipe? What is question? Question is, what is the other term for food pipe? हमने आपको एक word लिखाया है उसके लिए. Specific word है जिसको हम food pipe के बदले में use करते हैं. हम तो esophagus. It is esophagus. Very good. It is esophagus. बच्चे मैं आपको फिर से बता रही हूँ. मेरे आज शाम शाम तक आपके पास एक वीडियो के साथ एक लिंक भी जाएगा. वीडियो तो मैं अभी भेजूंगी आपको क्लास का, साथ में एक लिंक भेजूंगी. आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व करना है. इट्स फॉर प्रैक्टिस पर्पस. ओके ओके. नाउ आई अप्रिशिएट करना बनता है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल मेरे बोलने के बाद दे आर इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड वेरी गुड. उनको भाई उनके लिए क्लैप. एवरीबॉडी शुड गिव अ क्लैप क्लैप कि बच्चे यूनिफॉर्म में है. एंड आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स. लोगों ने नहीं पहना है वो कोशिश करेंगे कल हम सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास करें. ठीक है. इट लुक्स वेरी गुड व्हेन यू स्टडी व्हेन इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ स्कूल टाइप. क्लास में हम हैं, हम यूनिफॉर्म में पहनते तो अपने को अच्छा लगता है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कम इन द यूनिफॉर्म टुमॉरो. ओके. कल का भी हमारा टॉपिक लेसन वन ही रहेगा. जब तक हम लेसन वन बहुत अच्छे से याद नहीं करते वी कैन नॉट गो आउट. हम आगे नहीं बढ़ेंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ बहुत लोगों ने क्लैप दिया है. वेरी गुड थैंक यू. ये क्लैप उन बच्चों के लिए है जो आज यूनिफॉर्म में क्लास को ज्वाइन किए. ओके आशौर्या और अर्णव अपने आप को म्यूट कर लो. बच्चे हमारे पास अभी भी शायद 3 मिनट का समय है. हम इसको यूज कर लेते हैं. हम वी विल नॉट गेट आउट. आराध्या कुमारी 4E प्रोबेबली. आराध्या 4E है शायद. मुझे सिर्फ आराध्या 4 लिख रही है. अनम्यूट कर लो बाबू. अनम्यूट कर बेटा जल्दी जल्दी हमारे पास समय कम है. हाँ अनम्यूट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. अच्छा ये 4E कर रहे हैं. एनीवेज आराध्या गिव द आंसर. हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम. एक लाइफ टाइम में कितने तरह के टीथ बनते हैं. हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ. Aditya, don't show your mouth. The sets of teeth are milk teeth and permanent teeth. Okay, 2 sets of teeth are formed during one's lifetime. That is milk teeth and permanent teeth. Ab jab milk teeth permanent teeth ho gaye hain, to uska difference kaun batayega? Satyam ji, what is the difference between milk teeth and permanent teeth? Difference between milk teeth are permanent teeth. Permanent teeth are 20 in number. When the baby आएंगे दांत. बाप रे तो वो 5 साल तक खाएगा क्या. 7. Yes. 5 साल तक बच्चों को बिना दांत के रखोगे तो बच्चा खाएगा क्या. यानी बच्चों को वो दांत जो मिल्क टीथ आना शुरू होता है वो 5 मंथ से शुरू होता है. 5 to 6 months में शुरू होता है और 9th ईयर के बाद वो टूटना शुरू करते हैं. तब वो परमानेंट टीथ आता है ना. तो कंफ्यूजन है ना इयर्स एंड मंथ को लेके. 5 साल तक अगर बच्चे के मुंह में दांत नहीं रहेगा तो वो खाएगा क्या. सिर्फ दूध पी के थोड़ी रह सकता है ना. ओके यस. Milk teeth generally grows to the kids or the child when he or she is of 5 months old. Or permanent teeth, when the milk teeth fall, they are being taken place by the permanent teeth. Okay. Ajasa, yaad karenge baith ke. Aap khali baith ke style maar rahe hain. Main dekh rahi hoon aap. Okay. Next is for Aditya Raj, 4C. Abhi bhi mere paas 1 minute ka samay hai. Jaldi jawab doge. Very good girl. Sorry, very good boy. Okay, there's 5 good habits that one should take care of while eating food. 5 achhi cheeze jo karna chahiye jab hum khana kha rahe hote hain. 5 achhi cheeze jo hum kar rahe hote hain karna chahiye jab hum khana kha rahe hote hain. List 5 good habits that one should take care of while eating food. Aditya Raj ne phir se apne aap ko mute kar liya. Very good. Anidya, yes, give this answer. Ma'am, repeat the question, please. Repeat the question. Just give me the time. Okay. There's 5 good habits that one should take care of while eating food.
one should wash their hands before eating, one should eat a balanced diet, one should drink 8 to 10 glasses of water. Ab daily. Darua, paanchwa batao. Sorry, ma'am. Okay. First, one should wash their hands. One should wash his hand before taking food. Take a balanced diet. Take green vegetables properly. Good amount. 8 to 10 glasses of water daily. And last, one should not talk while chewing the food or swallowing. Okay, jab baat kar rahe hote hain, to hamara food pipe aur wind pipe dono khul jaye, khana kha rahe hote hain. So they are very close by, na? To hum jab baat karte hue khana